गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 29th of November 2023 एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। आपका डोविश कमेंट्स फ्रॉम फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स प्रॉम्प्टेड अ फर्दर फॉल इन यूएस ट्रेजरी यील्ड्स एंड द यूएस डॉलर्स। इसके कारण डॉलर इंडेक्स में कल हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक डाउन हो चुका है एंड सब मींस काफी स्ट्रांगली उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। करंटली एट 102.61। दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट में अभी हमारा और थोड़ा मींस मे बी हल्का सा पुल बैक हो सकता है। अगेन आपका ऊपर की तरफ 103 एंड 103.30 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। सो आपका ये जो पहले का सपोर्ट लेवल था, इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आने का हायर पॉसिबिलिटीज हो सकता है। डॉलर रुपी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये 30 के नीचे दिख रहा है, करेंटली एट 83.2829, बट ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं। आपका मीन्स जब तक मीन्स एक ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन नहीं होता है तो लेट इट बी रिमेन हियर। जीबीपी डॉलर जो हम चाह रहे थे, यहाँ पे आप देखो 21-22-23 यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक आउट करना था, ब्रेक आउट कर चुका है। उसके बाद हमारा जो टारगेट था वो था आपका 1.2730 से 1.2750 डॉट वहीं पे आके रुक रहा है। सो दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट में अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करने देते हैं। लेट द प्राइस एक्शन टू डिसाइड क्या करते हैं, क्या यहाँ से रिट्रेस करते हैं, क्या यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं या स्ट्रेट ब्रेकआउट करते हैं ऊपर की तरफ, वो हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर में भी हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 105.3050 उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारा जो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस जो हो सकता है वो था आपका 106 से 106.30 वहीं पे आके जस्ट रुका हुआ है। सो यहाँ पे काफी बुलिशनेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आके चुपके से लॉन्ग करके बैठ जाए। क्या करेंगे, क्या करना है बेसिकली यहाँ पे? अभी थोड़ा सा इधर हमें पुल बैक के लिए इंतजार करना है या यहाँ पे देखना है कि प्राइस कैंडल कैसे बिहेव करते हैं। यूरो डॉलर में भी ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था इसको अगर ब्रेक आउट करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो है आपका 1.1250 से 1.1280 का। अभी यूरो डॉलर में अच्छा खासा रूम है ऊपर की तरफ जाने के लिए। सो यहाँ पे और हम कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर सिमिलरली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इसको तोड़ ऊपर स्ट्रेट ऊपर। सो नेक्स्ट हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है वो है आपका 92.30 से 92.50। सो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि झट से बाई कर लेंगे, पुल बैक में बाई करने से अच्छा है क्योंकि रिट्रेस होने के बाद आपका जो बाइंग स्ट्रेटेजीज हो सकते हैं वहां पे आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पर भी अच्छा खासा रूम है ऊपर जाने के लिए। डॉलर येन में हमारा ये 21st November का जो पिन बार का लो, इट इज क्रूशियल, यानी इसको अगर स्ट्रांगली तोड़ देते हैं इन सच ए केस, एक अच्छा खासा तहलका नीचे की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तहलका मतलब मींस अच्छा खासा सेलिंग हम देख सकते हैं। अभी ऑल्दो यहाँ पे देखो आप नीचे गया था लेकिन स्ट्रांगली क्लोज नहीं दे रहा, एक स्ट्रांग डाउनवर्ड मींस स्ट्रांग क्लोज बिलो द लो ऑफ दिस पिन बार, क्योंकि पिन बार होते ही है उसके टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे तहलका, वही एनालिसिस है और नथिंग मोर। एंड आपका डेली आरएसआई जो आपका 40 में सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा था वो ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आ चुका है, करंटली 35.91। सो यहाँ पे सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड,
आपका येन आयनर, येन आयनर में भी सिमिलर एनालिसिस। ये जो 21 नवंबर का हाई है, इन्वर्टेड पिंबर का हाई, इट इज क्रूशियल। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देने से एक जबरदस्त आउटवर्ड अपवर्ड थ्रस्ट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो मॉर्निंग सेशंस में ऊपर गया भी है लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया। अभी यहाँ पे एक हल्का सा अगर सस्टेन हो जाता है ना तो मजा आ जाता है। क्यों मजा आएगा? एक ट्रेंडेड अप होने का प्रोबेबिलिटी से। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे ब्लाइंडली बाय कर लो, आपको आपका जो भी बाइंग स्ट्रेटेजी है उसके लिए इंतजार कीजिए, पुल बैक में बाय कीजिए। डॉलर कैंडी 1.3548, जैसे कि हमारा वीकली जो चार्ट में यहाँ पे एक जबरदस्त प्राइस एक्शन था। क्या प्राइस एक्शन? ये 6 नवंबर का लो के नीचे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स 1.34। ये है आपका वीकली पर्सपेक्टिव में। डेली में भी अच्छा खासा सेल ऑफ आ रहे हैं। अभी इमीडिएटली 200 पीरियड मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट हमें देखना है कि क्या ये 200 पीरियड में सपोर्ट लेता है या स्ट्रेट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं। ऑसी डॉलर हमारा जो टारगेट है वो है आपका 0.6725 से 0.68 की तरफ। यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस पिछले 3-4 दिन पहले का डेली एनालिसिस आप देखोगे तो वहां पे हमारा ये टारगेट है एंड मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स दैट वन। तो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट का मतलब ये नहीं कि ऊपर जाएगा तो अभी जाके ट्रेन में लटक जाए। नो, यहाँ पे अब पुल बैक के लिए इंतजार करिए। लेट द ट्रेन टू कम एंड स्टॉप एट द डिजायर्ड स्टेशन, जहां से आप गाड़ी में चढ़ना चाहते हो। पुल बैक बाय एंड देन ट्रेन। सीएनएच ये हमारा जो सपोर्ट लेवल है उसको स्ट्रॉन्गली ब्रेक डाउन कर नहीं पा रहा है। एज ऑफ नाउ इट इज ट्राइंग टू मेक ए पिन बार टाइप ऑफ कैंडल। जो दल्दो अभी दिन पूरा बाकी है तो, लेकिन यहाँ पे इनिशियल जो प्राइस फॉर्मेशन है वो है आपका 1.6725। सो यहाँ पे एज ऑफ नाउ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। क्या ये सपोर्ट लेगा? ये स्ट्रेट ब्रेक डाउन करेगा? लेट इट टू शो द पाथ। अभी ब्रेंट फ्यूचर, ब्रेंट फ्यूचर में यहाँ पे कंसोलिडेट करके बेसिकली यहाँ पे आरएसए 40 में रेंज शिफ्ट करके ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। इस तैयारी कब सक्सेसफुल होगा? जब आपका 14 नवंबर के हाई के ऊपर, दैट मींस आपका 84.35 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दे दे। इन सच ए केस हमें यहाँ पे एक अपवर्ड बायस देख सकते। और अगर इसको नीचे जाना है तो ये जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना पड़ेगा एंड इन सच ए केस 17 नवंबर का लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। दैट मींस 78.20 के नीचे स्ट्रांग क्लोज देना पड़ेगा अगर इस इंस्ट्रूमेंट को नीचे की तरफ जाना है। इस इंस्ट्रूमेंट को ऊपर की तरफ जाना है तो 14 नवंबर को हाई को तोड़ना पड़ेगा। दैट मींस 84.35 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा अगर ऊपर जाना है तो। US 10-year treasury काफी नेगेटिव मूवमेंट्स देखा गया है। अभी है आपका 4.30। यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेशंस था प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करके दोबारा प्रीवियस जो सपोर्ट है वहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का एंड वही हो रहा है। ये तो हो चुका है। अभी व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट में हमें ये देखना है कि इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे कौन सा है आपका 4.23 से 4.25 के बीच। यहाँ पे हमें देखना है प्राइस क्या करते हैं, क्या स्ट्रेट डाइव डाउन करते हैं या थोड़ा टाइम पास करते हैं। यहाँ पे डेली पर्सपेक्टिव में देखने वाला चीज यही है, 200 पीरियड मूविंग एवरेज एट 4.12 एज ऑफ नाउ। सो इस एरिया में भी एक सपोर्ट मिल सकता है। तो पहला यहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं, देन यहाँ पे US 2-year treasury यहाँ पर भी अच्छा खासा एक सेलिंग देखा गया कल के दिन। क्या जबरदस्त नेगेटिव कैंडल में से सेल ऑफ देखा गया। करंटली एट 4.712 ये हो गया। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट में आप देखोगे ये जो एक ऑरेंज कलर का लाइन है ये है 200 पीरियड मूविंग एवरेज। दिस इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट ऑल्सो। उसके नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट,
So that being the case, एक तो है ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज, दूसरा वाला है 4.60 से 4.63, यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है। सो ये हो गया मींस एक जबरदस्त अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट इन डॉलर इंडेक्स एंड जीबीपी डॉलर, जीबीपी एनएल, यूरो डॉलर, यूरो एनएल में अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट, डॉलर येन में अच्छा खासा डाउन मूवमेंट, येन एनएल में अच्छा खासा अप मूवमेंट दिख रहे हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली आप बाय या सेल कर लो, इंतजार करो आपका पुल बैक स्ट्रेटेजी के लिए, एंट्री प्रॉपर एंट्री लेवल्स के लिए, देन हिट द बटन। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन डेफिनेटली आपका अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स सर्कल, एंड विशिंग यू ऑल ए ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।